हरे कृष्णा, नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णा जोशी आप सभी का मेरे चैनल कृष्णा पोएट्री में स्वागत करता हूँ। मैं मेरा टॉपिक स्टार्ट करूँ उससे पहले यहाँ लाइक का बटन होगा, लाइक का बटन दबा दीजिएगा, और यहाँ सब्सक्राइब का बटन होगा, सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिएगा। सब्सक्राइब का बटन दबाने के बाद एक बेल आइकॉन दिख रहा होगा आपको, उसे भी दबा दीजिएगा, जिससे आपको मेरी सारी न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त होंगे। और हाँ, शेयर करना ना भूलेगा। तो मिलते हैं आगे। तो दोस्तों, आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वो शब्द हम बचपन से ही सुनते और बोलते आ रहे हैं। उन्होंने हमें 9 महीने कोख में पाला है, हर दर्द से संभाला है और हर मुश्किलों से निकाला है। जी हाँ, आज हम माँ के बारे में बात करेंगे। तो माँ, माँ क्या है? माँ भगवान का बनाया गया सबसे अनमोल रत्न है। कहते हैं भगवान खुद इस धरती पर सबके पास ना आ सके, इसलिए उन्होंने माँ को बनाया है, जो हमारी देखभाल कर सके, हमें संस्कार दे सके, हमें अच्छी परवरिश दे सके और हमें एक सफल इंसान बना सके। कुछ लोग तो यह भी कहते हैं कि माँ भगवान का ही रूप है। और तो और, मैंने तो यह भी सुना है कि ऊंचाई में जिसका अंत नहीं उसे आसमान कहते हैं, ऊंचाई में जिसका अंत नहीं उसे आसमान कहते हैं, और भलाई में जिसका अंत नहीं उसे माँ कहते हैं, और भलाई में जिसका अंत नहीं उसे माँ कहते हैं। और अब इस माँ के लिए 4 लाइन बोलना चाहूँगा। खुदा का दूसरा रूप है माँ, ममता की गहरी झील है माँ। खुदा का दूसरा रूप है माँ, ममता की गहरी झील है माँ। वो घर किसी जन्नत से कम नहीं, जिस घर में खुदा की तरह पूजी जाती है माँ, जिस घर में खुदा की तरह पूजी जाती है माँ। आपने कभी सोचा भी है, अगर इस दुनिया में हमारे माता पिता ना होते तो हम और आप कहाँ होते? मैं बताता हूँ, या तो किसी अनाथालय में, या तो किसी के दया तले होते। दोस्तों, चाहे हम 7 जन्म भी ले लेना, तब भी इस माँ का एहसान नहीं चुका पाएंगे। इसलिए माँ के एहसास और एहसान का कद्र करना चाहिए। आपसे एक बात कहना चाहूँगा, दुनिया में कभी कुछ भी करना, पर अपनी माँ का दिल ना दुखाना, क्योंकि माँ भगवान का बनाया गया सबसे अनमोल रत्न है, क्योंकि माँ भगवान का बनाया गया सबसे अनमोल रत्न है। और एक माँ की कीमत तो वही जान सकता है जिन्होंने माँ खोई है। तो मैं 4 लाइन माँ की कीमत पर प्रस्तुत करना चाहूँगा। दुनिया में माँ की कीमत क्या होती है? जाइए, जाकर उससे पूछिए जिसकी माँ नहीं होती है। दुनिया में माँ की कीमत क्या होती है? जाइए, जाकर उससे पूछिए जिसकी माँ नहीं होती है। माँ तो बच्चों की जान होती है, माँ तो बच्चों की जान होती है। वो होते हैं किस्मत वाले जिनकी माँ होती है, वो होते हैं किस्मत वाले जिनकी माँ होते हैं। कभी आपने सोचा भी है दोस्तों, कि जिस प्रतिमा को हमने बनाया है हम उसकी तो पूजा करते, पर जिस माँ ने हमें बनाया है हम उसकी पूजा क्यों नहीं करते? जबकि राम भगवान और कृष्ण भगवान ने भी एक माँ के पेट से ही जन्म लिया है। मेरे लिए तो मेरी माँ ही खुदा है, माँ ही खिदमत है, माँ ही ईश्वर है और माँ ही इबादत है। माँ के बिना तो हम ऐसे हैं बिन ताले की चाबी, बिन बगिया के फूल। और तो और, हम ये भी बताना चाहूँगा कि जब हम मुसीबत में पड़ जाते हैं तो वो माँ ही है जो हमें सही रास्ता दिखाती है। जब हम हिम्मत हार बैठे हैं तो वो माँ ही है जो हमें हौसला देती है कि मेरा बेटा कुछ भी कर सकता है, आई एम प्राउड ऑफ यू। और इस माँ के लिए अब मैं 4 लाइन बोलना चाहूँगा। और एक बात और, माँ है तभी तो हम हैं, नहीं तो खुदा भी हमसे रुखसत है, वरना खुदा भी हमसे रुखसत है। 4 लाइन बोलना चाहूँगा। हर लोगों की जिंदगी में वे खास होती है, दूर होते हुए भी दिल के पास होती है। हर लोगों की जिंदगी में वे खास होती है, दूर होते हुए भी दिल के पास होती है। जिसकी कोई उपमा नहीं कर सकता, मतलब जिसकी कोई तुलना नहीं है, वही माँ होती है, बस वही माँ होती है, वही माँ होती है। मैं अपनी वाणी को यहीं विश्राम देता हूँ। अगर मुझसे कुछ भूल चुकी है तो मुझे माफ़ करने का कष्ट करिएगा। धन्यवाद।